के लिए। चार ओवर का मैच है, पहला ओवर शुरू हो चुका है और बॉलिंग बार पर गणेश। शॉर्ट अपलेन गेंद ऑफ स्टंप पर, लेकिन गेंद निकली विकेट कीपर के हाथों में, कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं। एक डॉट गेंद के साथ अगली गेंद, थोड़ी सी छोटी गेंद पुल किया लेकिन बिडॉन पर फील्डर, और कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं। स्ट्राइक पर बल्लेबाज है सचिन गणेश अपने बॉलिंग मार्ग पर इस ओवर में अगली गेंद लेकर आगे निकले थे बड़े शॉट के लिए लेकिन कामयाब नहीं हुए और गेंद चलेगी विकेट कीपर के हाथों में। पावर प्ले का ओवर, दो फील्डर है, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर है सार्थक और एक है लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर। मुकाबला जारी दोपहर के भोजन के समय के बाद। बिल्कुल उसी तरह से पिछले गेंद की तरह ये रिप्ले देखने को मिला और एक बिंदी गेंद। गणेश गेंदबाजी कर रहे, स्कोर रुका हुआ एक पर जो पहला ओवर, तन्मय एक पर, सचिन ने अब तक खाता नहीं खोला है। सामने स्ट्राइक पर गणेश की गेंदबाजी का सामना करते हुए ऑन साइड पर एक बेहतरीन शॉट, मिड विकेट बाउंड्री पर, पहले बाउंस के बाद गेंद चली गई चार रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। पावर प्ले का पहला ओवर और पहले ओवर में एक चौका लगा सचिन के बल्ले से, स्कोर 5। दूसरे ओवर की शुरुआत और फील्डिंग में बदलाव मैदान पर दिखाई देता हुआ। खेल शुरू हो चुका है, मैच शुरू हो चुका है। लोकमान्य वॉरियर्स जो बल्लेबाजी कर रही है और पॉइंट ऑफ क्रिकेट टीम मैदान पर फील्डिंग गेंदबाजी करते हुए दूसरा ओवर जारी। ओमकार आ चुके हैं बॉलिंग मार्ग पर। सामने तन्मय इस बार फाइन लेग पर, अच्छी फील्डिंग शॉट फाइन लेग पर। एक रन मिल गया स्कोर के खाते में, इस सिंगल के साथ स्कोर पहुंचा टोटल 6 पर। पुलर लेन की गेंद, डॉट गेंद, खड़े खड़े बिल्कुल खेलना चाहते थे लेकिन गेंद बल्ले में संपर्क नहीं हुआ। विकेट कीपर के साथ एक थर्ड मैन, एक गली पर फील्डर, एक कवर पॉइंट, एक डीप एक्स्ट्रा कवर, एक लॉन्ग अप, ऑन साइड पर लॉन्ग ऑन, एक वाइडिश लॉन्ग ऑन। ये बड़ा शॉट सामने उड़ाया बॉलर के ऊपर से डीप लॉन्ग अप पर एक गगनचुंबी सिक्सर 6 रन के लिए। शुरुआत ओपनिंग जोड़ी की तन्मय और तन्मय के साथ सचिन। पुलर लेन के गेंद इस बार, लेकिन गेंद बल्ले में संपर्क नहीं। दो पर बल्लेबाजी कर रहे तन्मय और सचिन थोड़ा सा आक्रामक, एक चौका एक छक्का 11 पर खुद के व्यक्तिगत। टीम का टोटल स्कोर 13 रन। ओमकार राइट आर्म ओवर द विकेट।
बोल्ड हुए उस गेंद पर और पहला विकेट चला गया मैदान पर। पहली सफलता मिलते हुए मैदान पर पॉइंटो क्रिकेट टीम को। स्कोरबोर्ड पर 13 रन एक विकेट के नुकसान पर और गेंदबाजी में परिवर्तन। शंतनु आ चुके हैं, न्यू बैटर सुजय। फुलटॉस गेंद, शायद गेंद जाके सीधी पैरों पे टकराई। एक फुलटॉस गेंद थी लेकिन फायदा नहीं मिला। तेज गेंद थी यॉर्कर लेन के सामने, अपने पॉलोत्र में गेंद को फील्ड कर दे और शंतनु एक बार फिर से अपने बॉलिंग बार पर अगली गेंद लेकर। बहुत अच्छी गेंद, एक बार फिर से ऑफ स्टंप पर बल्लेबाज को बीट करती हुई गेंद निकली विकेट कीपर के हाथों में। विकेट कीपर के साथ ऑन साइड पर एक शॉट बैकवर्ड स्क्वायर लेग, एक डीप मिड विकेट, ऑन साइड पर एक वाइड लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, ऑफ साइड पर एक लॉन्ग अप, एक डीप एक्स्ट्रा कवर, एक शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर, एक गली पर फील्डर, एक थर्ड मैन बाउंड्री पर। फुल टॉस इस बार स्वीप किया लेकिन फील्डर है मौजूद मिड विकेट पर। फील्डर गेंद को फील्ड करते और एक सिंगल बन गया स्कोर के खाते में। आने वाला मैच होगा, अगला मैच हम कॉल कर रहे हैं कैप्टन को, साई इलेवन और ओडलेमॉल स्ट्राइकर्स। चलो दोनों टीम कैप्टन आइए टॉस के लिए। ओडलेमॉल स्ट्राइकर्स और साई इलेवन, आप दोनों के बीच में अगला मैच होगा। प्लीज कॉमेंट्री बॉक्स से टॉस के लिए संपर्क कीजिए। बहुत ही बेहतरीन शॉट, लोअर फुल टॉस लेकिन लॉन्ग अपर फील्डर। फिर से एक बार एक सिंगल बनता हुआ स्कोर के खाते में। खेल तीसरे ओवर का, शंतनु गेंदबाजी कर रहे सुजय और सुजय के साथ सचिन, ये जोड़ी मैदान पर बल्लेबाजी। और स्कोर हो चुका है टोटल 16 रनों पर, 16 रन एक विकेट के नुकसान पर। फिर से एक बार लोअर फुल टॉस, अच्छा शॉट ऑफ ड्राइव का लॉन्ग अपर फील्डर। फिर से एक सिंगल ही पर संतुष्ट होना पड़ा दोनों बल्लेबाजों को। इस एक रन के साथ स्कोर पहुंचा टोटल 17 रनों पर, 17 लॉस ऑफ वन विकेट, 17 रन एक विकेट के नुकसान पर। खेल तीसरे ओवर का, शंतनु बॉलिंग मार्क पर राइट आर्म ओवर द विकेट। फुल टॉस उड़ाया लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, सिक्सर 6 रन के लिए। तीन ओवर 23 लॉस ऑफ वन विकेट, तीन ओवर का खेल समाप्त हुआ और तीन ओवर के बाद टोटल 23 लॉस ऑफ वन विकेट। आखिरी ओवर, लास्ट ओवर, ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, लाइन से थोड़ा सा दूर गेंद, लेग स्टंप से वाइड बॉल का इशारा अंपायर का। बॉलिंग में परिवर्तन, सार्थक आ चुके हैं गेंदबाजी करने के लिए और वाइड बॉल के साथ एक सिंगल के साथ स्कोर पहुंचा टोटल 24-24 पर। बल्ले से लगी लेकिन विकेट कीपर को मौका नहीं मिला, गेंद चली गई थर्ड मैन बाउंड्री पर, लगभग बाउंड्री लाइन से अंदर गेंद को फील्ड किया, रोका,
एक रन पूरा किया, दूसरे के लिए पलटे थ्रो उतना अच्छा नहीं हुआ और शायद जो थ्रो किया था वो थ्रो के साथ गेंद निकली बाउंड्री लाइन की तरफ। देखना होगा अंपायर कितने रन देंगे, चार रन का इशारा। तो दोनों अंपायर थोड़ी सी चर्चा कर रहे हैं क्योंकि ओवरथ्रो होता तो बात अलग थी, लेकिन थोड़ा सा जो बीच में इलेक्ट्रिक का पोल है वहीं पर गेंद टकरा कर 6 रन मिलते हुए स्कोर के खाते में। थैंक यू सर। तो 6 रन मिले स्कोर के खाते में और इन 6 रन के साथ स्कोर टोटल आगे बढ़ा टीम का। लोकमान्य वॉरियर्स स्कोर हो चुका है टोटल 30 एक विकेट पर। सार्थक बॉलिंग मार पर अगली गेंद लेकर 7 पर अपने सुजय। और यह बेहतरीन शॉट मिड विकेट पर, डीप मिड विकेट पर गगन चुंबी सिक्सर 6 रन के लिए। सिक्स टोटल आगे बढ़ा एक विकेट पर। 36 लॉस ऑफ 1 विकेट। तेज गेंद इस बार एक वाइड यॉर्कर, ऑफ स्टंप को छोड़कर गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, सार्थक गेंदबाजी कर रहे। शुरू के 2 गेंदों पर 2 बड़े शॉट छक्के लग चुके हैं मैदान पर सार्थक की गेंदबाजी पर। सामने 13 पर खुद के व्यक्तिगत सुजय स्ट्राइक पर सामना करते हुए और स्कोर हो चुका है टोटल 36 लॉस ऑफ 1 विकेट। चेंजअप पेस गति में परिवर्तन, विकेट कीपर के पीछे गेंद फील्ड होती हुई फिर से एक बार सिंगल। दूसरे रन के लिए पलटे जरूरत है लेकिन तेजी के साथ सार्थक ने गेंद को कलेक्ट किया और सिर्फ एक ही रन मिल गया स्कोर के खाते में। आइए प्लीज अगले मैच के लिए एक बार फिर से हम कॉल कर रहे हैं टॉस के लिए। आइए दोनों टीम साई 11 और साई 11 के साथ अगला मैच होगा वो होगा ओल्डमोल स्ट्राइकर्स का। चलिए दोनों टीम कैप्टन आइए प्लीज टॉस के लिए संपर्क कीजिए। छोटे गेंद पुल किया, गेंद को इस बार क्या मौका मिलेगा कैच का? जी बिल्कुल अच्छा कैच, मिड विकेट पर कैच को पकड़ा और दूसरी सफलता मिलती हुई मैदान पर पाइन स्टोक स्ट्राइकर्स क्रिकेट टीम को। विकेट न्यू बैटर मैदान पर चंद्रेश और आइए सिद्धेश उर्फ बाबू नाइक टॉस के लिए। आइए सिद्धेश नाइक उर्फ बाबू बेहतरीन शॉट इस बार कैच का मौका। ओहो बहुत ही शानदार कोशिश रही थी, गेंद चली गई 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर और इन 4 रन के साथ स्कोर हो चुका है डीजे। थैंक यू के साथ स्कोर हो चुका है टोटल 41 41 रन और टारगेट रखा है 42 रनों का मैच को जीतने के लिए पाइन टोक स्ट्राइकर्स क्रिकेट टीम के सामने। आने वाले मैच के लिए टॉस हो रहा है जो अगला मैच बहुत जल्द शुरू होने जा रहा है और उस मैच का टॉस हो रहा है साई 11 और ओल्डमोल स्ट्राइकर्स। इन दो टीमों के बीच में अगला मैच होगा, टॉस होगा, लेकिन उससे पहले टारगेट है 42 का 42 रनों का टारगेट है मैच को जीतने के लिए पाइन स्टोक स्ट्राइकर्स क्रिकेट टीम के सामने। सिद्धेश्वर चलिए अगले मैच के लिए टॉस हो जाए।
बहुत से मैच अभी भी बाकी है आज के दिन के, और जरूर कोशिश होगी सबसे जो कि सभी मैच जो खेले जाएंगे ये कोशिश रहेगी। तो इसलिए चलिए ओपनिंग जोड़ी दोस्तों आइए प्लीज, जल्द से जल्द टारगेट है आपके सामने 42 यानी 42 रनों का टारगेट है मैच को जीतने के लिए। बॉलिंग मार्ग पर चंद्रेश, पहला ओवर जो पावर प्ले का गेंदबाजी करने के लिए, और ओपनिंग जोड़ी धीरे धीरे आते हुए मैदान पर। सार्थक और सार्थक के साथ साइश ये जोड़ी मैदान पर ओपनिंग पॉइंट क्रिकेट टीम के। देखने होगा किस तरह से चार ओवर का मैच है, किस तरह से मुकाबला दोनों के बीच में समाप्त होता है। काकोड़ा प्रीमियर लीग आज का पहला दिन बहुत ही चमचमाती सुंदर बड़ी ट्रॉफी दिखाई देती हुई मंच पर, एक बहुत ही बेहतरीन आयोजन इस टूर्नामेंट का। आज और कल ये दो दिन टूर्नामेंट जारी रहेगा, और दो दर्शक यूट्यूब लाइव प्रसारण के साथ जुड़ चुके आप सभी का स्वागत है। अंपायर का इशारा खेल की शुरुआत होने का, और पहला ओवर चंद्रेश अपने बॉलिंग मार्क पर, स्ट्राइक पर सार्थक और नॉन स्ट्राइक रेन पर साइश, टारगेट 42 यानी 42 रनों का टारगेट मैच को जीतने के लिए। पहली गेंद पर बाहरी किनारा, थर्ड मैन पर गेंद फील्ड होती हुई, एक सिंगल खाते की शुरुआत की मैदान पर एक सिंगल के साथ सार्थक ने। अब साइश और बॉलिंग मार्ग पर पहला ओवर जो पावर प्ले का चंद्रेश, अगली गेंद लेकर थोड़ा सा फील्डिंग में परिवर्तन कर रहे हैं चंद्रेश अपने गेंदबाजी के साथ, और एक अच्छा टोटल, दो छक्के लगाए सुजय ने, एक चौका चंद्रेश, उससे पहले 13 रन बनाए सचिन ने, 14 रन बनाए सुजय ने, और चंद्रेश एक चौके के साथ अब पहला ओवर लेकर जो पावर प्ले का गेंदबाजी करते हुए मैदान पर। पुलर लेन की गेंद, बहुत अच्छी गेंद इस बार, बल्ले का भीतरी किनारा, विकेट कीपर ने कैच को पकड़ा, पहली सफलता मिलते हुए मैदान पर, एक रन एक विकेट के नुकसान पर। डीजे थैंक यू डीजे, न्यू बैटर मैदान पर गणेश। फिर से कुछ आवाज बिल्कुल देखा जाएगा, और अंपायर के उंगली ऊपर यानी बल्ले से लगकर गेंद विकेट कीपर के हाथों में, बैक टू बैक दूसरा धक्का लगता हुआ मैदान पर। डीजे
42 यानी 42 रनों का टोटल मैच को जीतने के लिए। वन टू गो। चंद्रेश अगली गेंद लेकर अपने बॉलिंग मार्ग पर इस ओवर में। अच्छी गेंद, हल्के से खेला ऑन साइड पर, क्या एक रन दूसरे रन की कोशिश? जी नहीं, बिल्कुल लॉन्ग ऑन से वाइड मिड विकेट से आते गेंद को उठाते फील्ड करते और तब तक एक सिंगल बन गया स्कोर के खाते में। पावर प्ले का पहला ओवर समाप्त हुआ और पहले ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 7 रन 2 विकेट के नुकसान पर। टारगेट है मैच को जीतने के लिए 42 यानी 42 रनों का टारगेट है मैच को जीतने के लिए। और पहले ओवर की समाप्ति के बाद अब फील्डिंग में बदलाव होगा पावर प्ले का खेल समाप्त होने के बाद, और देखना होगा गेंदबाजी के लिए कौन आते हैं ये दूसरा ओवर लेकर। थैंक यू डीजे। कमेंट्री बॉक्स में से स्वागत करेंगे सर चार्ली लुइस जिनका आगमन हो चुका है। सर आपका स्वागत है चार्ली लुइस सर, आइए प्लीज कमेंट्री बॉक्स से संपर्क कीजिए। दूसरे ओवर की शुरुआत मैदान पर और बबन बॉलिंग मार पर, फुल टॉस लेकिन उतना अच्छा टाइमिंग नहीं हुआ, लॉन्ग ऑन पर फील्डर और इसी के साथ और एक सफलता मिलती हुई मैदान पर तीसरा विकेट चला गया। डीजे प्रीमियर लीग का सिक्सर 6 रन के लिए। जो पिछला मैच भोजन के समय से पहले समाप्त हुआ था उस मैच का मैन ऑफ द मैच थे सलील सावंत, वो आ रहे और चार्ली लुइस सर आप के हाथों से बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की, 50 बनाए थे 50 रन बनाए थे सलील सावंत ने, मैन ऑफ द मैच का हकदार रहे थे। और बबन अगली गेंद लेकर अपने बॉलिंग मार्ग पर इस ओवर में। थैंक यू डीजे। डीजे आवाज आता हमारे वो मैच झोप लेगा। मिड विकेट पर फील्डर और जब तक इनको आते उठाते फील्ड करते एक सिंगल बन गया स्कोर के खाते में। स्कोर पहुंचा टोटल 14 रनों पर 3 विकेट पर, 14 रन 3 विकेट पर, 14 रन 3 विकेट पर। उड़ाया इस बार, क्या मौका मिलेगा देखना होगा। लंबी दौड़ लगाई एक्स्ट्रा कवर पर फील्डर और इसी के साथ सफलता मिलती हुई और एक विकेट चला गया। चौथे विकेट का पतन होता हुआ स्कोर बोर्ड पर टोटल 14 रन 4 विकेट पर। और चार्ली सर आपका एक बार थैंक यू कॉमेंट्री बॉक्स में से। डीजे न्यू बैटर शंतनु, लॉन्ग ऑन पर फील्डर लेकिन एक मुश्किल सा मौका, मैं नहीं कहूंगा क्या चाहिए, बिल्कुल एक मुश्किल सा मौका था। अच्छी फील्डिंग
और जब तक गेंद को फील्ड करते थ्रो करते एक सिंगल पूरा किया, आते आते एक रन शंतनु, एक रन टीम के साथ और बहुत अच्छा ओवर। एक छक्का लग चुका है लेकिन दो सफलता भी हासिल की है। फुल टॉस, क्या कैच का मौका जी, समीर लॉन्ग रन पर पांचवा विकेट चला गया मैदान पर। डीजे के नुकसान पर डीजे। और एक नए बल्लेबाज मैदान पर, विकेटों का सिलसिला बिल्कुल जारी है मैदान पर। पॉइंट ऑफ क्रिकेट टीम का स्कोरबोर्ड पर वही पर रुकावा 15 पर, टारगेट है 42 का, खेल जारी है तीसरे ओवर का। सचिन आ चुके हैं और सचिन को पहली गेंद पर सफलता मिलती हुई, और देखने का जो कि निचले क्रम के बल्लेबाज दीपराज और दीपराज के साथ ओमकार क्या करते हैं। दूर से खेला कैच का मौका, विकेट कीपर ने दूसरे प्रयास में कैच पकड़ा, सातवां विकेट वापस डीजे। ऑनसाइड पर मिड विकेट पर हैट्रिक का मौका, और इसी के साथ उस कैच को पकड़ा, हैट्रिक मुकम्मल करते हुए मैच में गेंदबाज सचिन डीजे। सचिन डीजे
हो दिया टीम ने। बिल्कुल गेंद हवा में थोड़ी सी कवर पर, एक्स्ट्रा कवर पर फील्डर बड़ी देर के बाद एक रन जुड़ गया, 16 पर पहुंचा टोटल 9 विकेट पर, 16 रन 9 विकेट के नुकसान पर सचिन गेंदबाजी पर। 5 बल्लेबाज 0 पर आउट हुए इस मैच में, 15 रनों का जो कि 15 अंक अशुभ दिखाई देता है टीम को। अच्छी गेंद सम्मानजनक खेला, एक सिंगल, एक बार फिर से एक रन और मिला, एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ा, 17 रनों पर खेल इसी के साथ समाप्त हुआ 3 ओवर का, और 3 ओवर के बाद टोटल स्कोर 17 रन 9 विकेट पर। डीजे धन्यवाद, थैंक यू डीजे। शॉर्ट ऑन पॉल, गेंद हवा में लेकिन गेंद चली गई लॉन्ग ऑन सीमारेखा से बाहर, सिक्सर 6 रन के लिए। थैंक यू डीजे। आखिरी ओवर, आखिरी जोड़ी मैदान पर, और 5 गेंदों का खेल, और अभी भी चाहिए 5 गेंदों में। पांच गेंदों का खेल और 19 रन। इस बार फिर से एक बार थोड़ा सा हवा में शॉट, समीर आते गेंद को उठाते फील्ड करते और दूसरे रन के लिए पलटे, रन आउट का मौका, जी बिल्कुल आउट, और इसी के साथ ये मैच समाप्त होता हुआ मैदान पर।